अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ tech.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फिनिक्स का एक ऐसा स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिसकी प्राइस न्यू में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप यूज परचेज करते हैं तो ये डिवाइस आपको 40,000 से 42,000 रुपए में इजीली बहुत अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात इस डिवाइस के बारे में यह है कि यह डिवाइस एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और डिवाइस भी कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड करती है आप लोगों को। ना सिर्फ ये बल्कि इस डिवाइस की चार्जिंग आप 70 से 80% कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर। यानी अगर हम बात करें तो 10 मिनट में आपकी डिवाइस 40% चार्ज हो जाएगी। ये डिवाइस कौन सी है, आप लोगों को कहां से मिलेगी और स्टील में इस डिवाइस को रखने के पीछे क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा और इसी तरह की वीडियोस मैं tech.com पर अपलोड करता रहता हूं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, ये डिवाइस का नाम मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं। इस डिवाइस का नाम है इन्फिनिक्स 030। ये डिवाइस आप लोगों को OLX से भी 40 से 42 45 हजार में मिल जाएगी, डिपेंड करता है कंडीशन में। और ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आप सर्च करते हैं तो ये डिवाइस इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा किसी ऑथेंटिक बंदे से ये डिवाइस लेनी है ताकि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी फ्रॉड का सामना करने को ना मिले। बाकी 6.678 इंचेस का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आती है जो कि फुल HD प्लस क्वालिटी का रेजोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करती है, 120 हर्ट्ज का फास्ट डिस्प्ले रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है और सबसे अच्छी बात ये कर्व डिस्प्ले है। अब कर्व डिस्प्ले थोड़ा नाजुक होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए इन्फिनिक्स ने यहां पे आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर आप लोगों को 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन निकाल के सामने लाती है। अब चूंकि मैंने इस डिवाइस को खुद पर्सनली यूज भी किया हुआ है, आप लोग चैनल पे जाके इसकी अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं, मैंने की भी है, आप कर नहीं सकते, आप देख सकते हैं, तो आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको मजीद यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। एंड्रॉइड 13 के साथ ये डिवाइस आती है, बाकी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है और UFS 2.2 की यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है और इसके साथ साथ मीडियाटेक हीलियो G99 का यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। अब जी सीरीज इन्फिनिक्स देता है, बेसिकली जी सीरीज मीडियाटेक की गेमिंग सीरीज है जहाँ पे वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। हीटिंग इश्यूज डेफिनेटली आपको गर्मियों में तो देखने को मिलेंगे, गर्मियों में आईफोन भी हीटअप हो जाता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में एज सच कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले। G99 पुराना चिपसेट है डेफिनेटली, लेकिन मीडियाटेक ने अभी जी सीरीज में G99 या G99 अल्ट्रा के अलावा कोई हाई लेवल का मजीद चिपसेट अपग्रेड नहीं किया, तो मेरे ख्याल से जो अवेलेबल है उस पर बात की जाए तो ये बेहतरीन चिपसेट निकल के सामने आता है। बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है और तीसरा डेप्थ सेंसर आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आप लोगों को सेल्फी कैमरा फ्रंट पे देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की यहाँ पे आप लोगों को बैटरी देखने को मिलेगी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और ये चार्जिंग शुरू में मैंने आप लोगों को बताई 70 से 75% 30 मिनट में चार्ज होगी और 10 मिनट के अंदर अंदर 30 से 40% ये बैटरी इजीली चार्ज कर लेगा। सो मेरे लिहाज से इन्फिनिक्स 030 अगर आप यूज स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं एक बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत जल्दी वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जाते दीजिए, अल्लाह हाफिज़।